देश में मुसलमानों के खिलाफ आए दिन हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। मोदी सरकार के राज में हालात इतने ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं कि अब संघियों पर लगाम लगाने की बात तो छोड़िए, खुद भाजपा के नेता ही मुसलमानों को पीट पीट कर उनकी हत्या करने पर उतर चुके हैं। इन्हें बस एक छोटा सा बहाना चाहिए मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वारदात को अंजाम देने के लिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता हो या फिर RSS के सदस्य, ये संघी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेलगाम होकर मुसलमानों के खिलाफ बिना किसी डर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हें किसी बात का ना ही डर है ना ही किसी अंजाम की कोई फिक्र। अभी ताजा दो ऐसी वारदात निकल करके सामने आई है जहां भाजपा के नेता ने महज झूले पर पहले झूलने जैसी मामूली बहस पर अकील नाम के मुस्लिम को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं केरल के रहने वाले मसूद को 8-8 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छोटी सी कहा सुनी पर बेरहमी से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। प्रधानमंत्री मोदी जी लाख दलीलें पेश कर ले या उनके मंत्री CM एकता और भाईचारे की कितनी भी दुहाई क्यों ना दे, लेकिन हकीकत क्या है ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। और साथ ही गोदी मीडिया सच्चाई और हकीकत का ऐसा चोला ओढ़कर अपने आप को निष्पक्ष पत्रकारिता करने का ढोंग करती है जिसमें इनका कोई जवाब नहीं। मुस्लिम समुदाय से कोई भी कैसी भी खबर क्यों ना हो, मॉब लिंचिंग की, पत्थरबाजी की, आंदोलन प्रदर्शन की, तुरंत ही मुसलमानों को टारगेट करते हुए न्यूज बुलेटिन पर न्यूज बुलेटिन बनना शुरू हो जाते हैं, पैनल डिस्कशन और लाइव डिबेट शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों पर इस तरह की कोई हिंसा होती है तब तो इन गोदी मीडिया के महारथियों को साफ सूंघ जाता है और ये अपने मालिक के बिल में दुबक जाते हैं। अब कर्नाटक के मैंगलोर से जो खबर सामने आई है उसमें बजरंग दल के कई गुंडों ने एक निहत्ते 18 वर्षीय मसूद को इतने बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये वीडियो देखिए कैसे उसके परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। अब बताइए इस खबर को कहां और कौन सी मीडिया ने छापा है, आप खुद भी इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। इस पर ना ही कोई डिबेट है ना ही कोई हल्ला, सब मीडिया वाले शांत हैं, जबकि ये मामला नकारने जैसा बिल्कुल नहीं था। एक छोटी सी बहस से शुरू हुआ ये मुद्दा देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि बजरंग दल के गुंडों ने मसूद को अकेला घेर लिया और इतना मारा कि 18 साल का मसूद अपनी जान से हाथ धो बैठा। मसूद की हत्या के बाद परिजनों के दबाव डालने पर पुलिस हरकत में आई और 8 गुंडे को हिरासत में लिया और उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक लौती वारदात नहीं है, इससे एकदम आगे बढ़कर भाजपाइयों ने सारी हदें पार कर दी। यूपी के लखीमपुर से एक और ऐसी घटना सामने आई जहां एक बार फिर भाजपाई ने बेकसूर की जान ले ली। ये वारदात बीते दिनों की है जहां नसरुद्दीन मोदी मेमोरियल हॉल में चल रहे मेले में झूले पर बैठने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और महज झूले पर पहले बैठने को लेकर भाजपाई इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने अकील अहमद को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अकील अहमद की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ अभी भी जारी है। गिरफ्तार अनूप शुक्ला बीजेपी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहा है, इस समय वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन है। अब बताइए जिस पार्टी के बड़े बड़े मंत्री CM और खुद प्रधानमंत्री हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हैं और भाईचारे का ढोल बजाते हैं, मुस्लिमों को अपना भाई बताते हैं, लेकिन ये असल सच्चाई है। खुद बीजेपी के नेता ही उनके खून के प्यासे बन जाते हैं, न्याय और कानून को तो बस अपनी जागीर समझते हैं और गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी की और भाजपा सरकार के गुणगान से अगर टाइम मिले तो शायद वो इस तरह मुसलमानों पर हो रही हिंसा को लेकर के भी सरकार से सवाल पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट द VPN TV।